Yes, myself, I'm Ratna Bhushan, and welcome to the program, The Great Prime Minister and the Great Nation. Good morning, Honorable Prime Minister Ji. This is the program for you and for the people of our nation. It will cover your per-day efforts for the betterment of the nation and suggestion for you, so that together we can make this country more glorious in the whole world. Before starting the important fact of today's, I would like to read the preamble of our constitution. We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation, in our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. So the most important fact of today's are Vimanan Chhetra mein asim pragati, Bharat Sarkar ki ghoshna, Nivida Prakriya ke pehle charan ke paschat, Chhetri Sampark Udano ka shubharambh, Udan Ude desh ka aam nagrik, Pratyek Udan ki 50% seato ke liye, 1 ghante ki Udan hetu matra 2500 rupaye prati seat. Aur jo sabse badi baat hai इस सरकार की और मोदी जी के प्रयास की कि उन्होंने हर दे हर क्षेत्र को जोड़ने की कोशिश किया है, चाहे वो ट्रेन से, चाहे रोड से, चाहे उड़ान से। और ये बहुत ज़रूरी है कि उड़ान से बहुत सारे देश के इलाके जो अलग थलग पड़ गए हैं उनको जोड़ना ज़रूरी है। और आई एम सल्यूटिंग टू मिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज एफर्ट्स, आप देख सकते हैं इसमें, और देश का हर इलाका अब जुड़ने जा रहा है। दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग। और हर आर आदमी पहले तो आसमान की तरफ ही ऐसे देखता रहता था कि एरोप्लेन उड़ती, जब उड़ती थी तो देखते रहते, अब उसमें चढ़ भी सकते हैं। ऐसा बनाया है केवल हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर भाई मोदी ने। देश के तीसरे सबसे सफल प्रधानमंत्री साबित होंगे मोदी, नरेंद्र मोदी देश के तीसरे सबसे सफल प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जाने माने इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने कहा है कि सफल प्रधानमंत्री के रूप में मैं भी एक लास्ट 14 ईयर आई एम टीचिंग द आईएएस स्टूडेंट स्पेशली हिस्ट्री, तो मैं भी एक हिस्ट्री पर्सपेक्टिव में देखता हूँ कि मोदी जी के जो कार्यकलाप हैं वो अद्भुत हैं, अद्भुत हैं, पूरे विश्व में अद्भुत हैं। सफल प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद मोदी का नाम आएगा। इतिहासकार ने रेखांकित किया कि 66 वर्षीय इस नेता का करिश्मा प्रभाव जाति धर्म की सीमा लांघ चुका है। नई दिल्ली में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के इंडिया समिट में 58 वर्षीय गुहा ने प्रधानमंत्री की विशेषताओं को रखा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का प्रभाव उनकी विस्तृत भारतीय दृष्टि ने उन्हें उसी राह पर ला खड़ा किया है जहाँ नेहरू और उनकी बेटी इंदिरा गांधी थी। नो डाउट नेहरू और इंदिरा गांधी ने भी इस देश के लिए जो अतुलनीय काम किए अभी तक किसी प्रधानमंत्री ने किया एक्सेप्ट नरेंद्र मोदी। एक दिन पहले बुधवार को गुहा ने कहा कि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जब नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास में सबसे तीसरे सफल प्रधानमंत्री की बनने की राह पर हैं या बन चुके हैं। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें प्रभाव के लिहाज से आप नेहरू और इंदिरा गांधी के स्थान पर रख सकते हैं, और प्रभाव के साथ ही उनकी भारतीय दृष्टि भी देश की सीमा पर जाती है। तो ये था नरेंद्र मोदी के बारे में। रामचंद्र गुहा एक बहुत ही अच्छे इतिहासकार हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इस प्रोग्राम को चलाने का जो मेरा लक्ष्य है वो अपने देश इस देश को जोड़ना, हर इलाके को जोड़ना, और जो भी व्यक्ति इस देश में निगेटिविज्म को छोड़कर पॉजिटिविज्म की तरफ बढ़ रहा है उसकी हम लोग प्रशंसा करेंगे। जो भी व्यक्ति चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा हो, ये हमारा लक्ष्य है कि हम उसकी प्रशंसा करें और उनको इनकरेज करें। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सजेशन फॉर लास्ट मेनी डेज आई एम गिविंग दैट हर 2 किलोमीटर पर एक डस्टबिन और वॉशरूम होने चाहिए, इट मस्ट बी पेड। मुझे ऐसा लगता है कि लोग इसका विनम्रपूर्वक स्वागत करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति इस देश का चाहता है कि हमारा देश स्वच्छ हो, सुंदर हो और सुशील भी बने। ड्रीम इंडिया और क्लीन इंडिया, स्वच्छ भारत का अभियान तभी पूरा हो पाएगा जो हम लोग केवल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी मान करके ये ना काम करें, हम लोग ये भी सोचें कि हमारी भी जिम्मेदारी हो। और जिस दिन भी आप लोग का बर्थडे हो, फेसबुक पे तो आप लोग शेयर करते हो, एक चीज जरूर शेयर करो, जिस दिन आपका बर्थडे हो एक पेड़ जरूर लगाओ और उसको फेसबुक पे शेयर करो, ट्विटर पे शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, जरूर शेयर करो,
It's very, very important, not only for the country, but for the whole world. वॉशरूम ऐसे होने चाहिए जो एयरपोर्ट पे होते हैं. अनहाइजीनिक हमारे देश में बहुत सारे अनहाइजीनिक जो रोड के किनारे बने हुए हैं वॉशरूम, उनको स्वच्छ बनाना लक्ष्य है. बिफोर द एंडिंग ऑफ द प्रोग्राम आई वुड लाइक टू रीड द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन एंड आई वॉन्ट दैट प्रीएम्बल एंड फंडामेंटल ड्यूटी इट मस्ट बी डिस्प्ले ऑन ईच एंड एवरी पब्लिक प्लेसेस. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51A इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल इंस्टीट्यूशन द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम. To cherish and follow the noble ideals and inspire the national struggle for freedom. To uphold and protect the sovereignty and unity and integrity of India. To defend the country and the render national service when called upon to do so. To promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transacting religious, linguistic and regional or sectional diversity, and to renounce practices derogatory to the dignity of women. To value, preserve the rich heritage of the country's composite culture. To protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers, wildlife, and to have compassion for living creatures, to develop scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reform, to safeguard public property and to observe violence, to strive towards excellence in all sphere of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement, to promote opportunity for education to his or her child or ward between the age of 6 and 14 years. This duty was added by the 86th Constitutional Amendment Act 2002. So this is the end of the program of today. Thank you, sir. Thank you, Honorable Prime Minister Ji. We are proud on you. Your dedication, your hard work is the example for the whole nation. We can make this country more clean, more beautiful, and more glorious. Jai Hind!